हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 में चैप्टर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया है, हमें एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है एम ओ आर, जिसमें एम ओ 6 सेंटीमीटर, ओ आर 4.5 सेंटीमीटर, एम एंगल एम जो होगा वो 60 डिग्री, ओ 105 डिग्री, आर होगा 105 डिग्री। पहले मैं इसका रफ स्केच बनाया तो फिर आपको मैं फेयर बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल मैंने बना लिया कुछ इस तरीके का, ठीक है। नाम दिया मैंने एम ओ आर ई। जो एम ओ है वो हमारी 6 सेंटीमीटर है, ओ आर 4.5 सेंटीमीटर है, एंगल एम ये हमारा 60 डिग्री का एंगल है, एंगल ओ ये हमारा 105 डिग्री का एंगल है, एंगल आर ये भी हमारा 105 डिग्री का एंगल है। क्लियर? तो इसके बिहाफ पे हम इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या रखा है, एम ओ ये हमारी कितने की लाइन है, 6 सेंटीमीटर की। तो मैंने कंपास पे यहाँ लिया, सॉरी स्केल लिया, और 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी। इसका नाम दिया एम ओ 6 सेंटीमीटर। अब हमें बनाना है एंगल, सॉरी ओ पर 105 डिग्री का एंगल। तो बनाने का तरीका क्या होगा, उससे पहले मैं एम बनाया था 60 डिग्री का, क्योंकि ये ज़्यादा आसान है। कंपास लिया, आप अपनी मर्जी से ओपन कर सकते हो। एम को एज ए सेंटर मानते हुए यहाँ पर मैंने इस तरीके से आर्क लगाई। लगाने बाद इसको कम ज़्यादा नहीं करना, उतना ही रखना है। जहाँ से लाइन की शुरुआत हुई है उस इनिशियल पॉइंट पे रख के आर्क लगा देनी है। ये हमारा एंगल आ गया 60 डिग्री का एंगल, ठीक है। जो पहली आर्क लगती है ये 60 डिग्री का एंगल निकल के आता है हमारा, यहाँ पर लग दिया मैंने 60 डिग्री। अब हम ओ पर बनाएंगे 105 डिग्री का एंगल। 105 डिग्री का एंगल बनाने का तरीका ये है, 90 डिग्री और 120 डिग्री इन दोनों से आर्क लगाएंगे तो 105 का एंगल बनेगा। पहले हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। कंपास को उतना ही रखना है आपको अपने हिसाब से। मैंने यहाँ रखा और इस तरीके से आर्क लगा दी। मैंने इस पर रख के पहली आर्क लगाई 60 डिग्री का एंगल होगा, उतना ही रखना, कम ज़्यादा नहीं करना है। इस पर रख के अगली आर्क लगाई 120 डिग्री की। अब एक तो आर्क हमें 60 डिग्री से लगानी है, दूसरी लगानी है 120 डिग्री से। ये एंगल आ गया हमारा 90 डिग्री का, बट हमें 90 डिग्री के एंगल की सिर्फ हेल्प चाहिए, क्योंकि हमारी जो आर्क लगेगी वो 90 और 120 से लगेगी। देखो ये 90 है, ये 120 है, इन दोनों से आर्क लगाएंगे वो बनेगा हमारा 105 डिग्री का एंगल। तो मैं यहाँ पे 120 पे और 90 पे इन दोनों से क्रॉस निकाला, जो क्रॉस पॉइंट आया ये हमारा होगा 105 डिग्री का एंगल। ये लो जी, ड्रॉ कर दी मैंने लाइन। करने के बाद अब ये हमारी कितने की, 4.5 सेंटीमीटर की। तो कंपास लिया मैंने, इसको 4.5 सेंटीमीटर का ओपन कर लिया, ठीक। करने के बाद ऊपर रखा, ओ को एज ए सेंटर मानते हुए यहाँ आर्क लगाई। ये जो पॉइंट आएगा हमारा, इस पॉइंट को रखेंगे आर। अब आर पे कितने डिग्री का एंगल बनाना है, 105 डिग्री का। जो प्रोसीजर हमने यहाँ किया वही प्रोसीजर यहाँ करना है। आपको समझाने के लिए मैं कॉपी को टर्न कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। कंपास लिया, आप अपनी मर्जी से उतना ही ओपन कर सकते हो अपने हिसाब से। ये लो जी, मैंने यहाँ पे एक रख के इस तरीके से आर्क लगा दी। जहाँ से लाइन शुरुआत हुई है वहीं पर रख के पहली आर्क लगानी है, 60 डिग्री का एंगल होगा। इसी पर रख के दूसरी आर्क लगानी है, अब 60 से और 120 से आर्क जो लगाएंगे ये होगा हमारा 90 डिग्री का एंगल। हमें सिर्फ इसकी हेल्प चाहिए, इसलिए हम इसको डैश वाली लाइन यानी कि इमेजिनरी लाइन से शो करेंगे। ये लो जी, ये हमें 90 डिग्री का एंगल मिल गया। अब 90 से और 120 से इन दोनों से आर्क लगाएंगे तो हमारा आएगा 105 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पे मैंने 120 से आर्क लगाई एंड 90 डिग्री से आर्क लगाई, ये हमारा आ गया 105 डिग्री का एंगल। अब पॉइंट आर से जाती हुई मैंने इस क्रॉस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की, कर दी। ये हमारी कितने की होगी, 105 डिग्री का एंगल होगा। मैं कॉपी को वापस टर्न कर लेता हूँ, ये भी हमारा 105 डिग्री का एंगल होगा। इस लाइन को थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। ये लो जी, जहाँ पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वही पॉइंट हमारा कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। ये लाइन कितने की है, 4.5 सेंटीमीटर की। ये 6 सेंटीमीटर की, 105 एंड 60 डिग्री। और इसी के साथ हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसका सेकंड पार्ट। क्लियर? उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सेकंड पार्ट देखो,
इसमें बोला गया हमारा क्वाड्रिलेटरल है PLAN। ठीक, तो पहले मैं इसका रफ स्केच बना लेता हूँ। तो देखो ये मैंने इसका रफ स्केच बनाया, PLAN। PL 4 सेंटीमीटर है, LA 6.5 सेंटीमीटर है, एंगल P 90 डिग्री का है, A 110 डिग्री का है, N 85 डिग्री का है। तो स्टूडेंट देखो, अगर हमें बेस के एंगल मालूम होते हैं ना, तब वहाँ बेस के एंगल मालूम हो तो हम इसको इजीली बना सकते हैं, लेकिन हमें अगर इसके बेस को छोड़कर ऊपर के एंगल दिए जाए तो हम उसको बना नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे? पीएल बना ली, मान लो 4 सेंटीमीटर, 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बना लिया। बनाने के बाद में एन है, एन भी बनाना पड़ेगा हमें 85 डिग्री का एंगल। चलो ये भी बना दिया। अब हमें पॉइंट ए में प्रॉब्लम पड़ेगी कि पॉइंट ए कहाँ पर होगा। ठीक है, क्योंकि ए 110 डिग्री ऊपर है, 85 की लाइन तो चली जाएगी, हमें ना ये भी गिवन नहीं है। अब नीचे से जो लाइन गई है वो हमारी कितने हुई, ये हमें दे रखा है 6.5 सेंटीमीटर। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम एंगल एल को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, उससे हमारे क्या रहेगा कि देखो एक क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम होता है 360 डिग्री। अगर एंगल एल को हम निकाल लेते हैं तो एल, जब एल इस पे बनाएंगे तो ए हमारा ऑटोमेटिकली 110 डिग्री का आ जाएगा। कैसे आएगा मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मैंने लिखा इन क्वाड्रिलेटरल PLAN एंगल, एंगल पी, एंगल एल, एंगल ए, एंगल एन, इन चारों का जोड़ कितना होगा 360 डिग्री होगा। एक क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम 360 होता है। पी हमारा 90 है, एल हमें निकालना है, ए 110 है, एन हमारा 85 है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। 90 प्लस 110 दोनों कितना हो 200, 200 में प्लस की 85 को 285, प्लस में एंगल एल इज इक्वल टू 360। पॉजिटिव का है दूसरी तरफ जाएगा, इसका हो जाएगा नेगेटिव का 360 माइनस 285, माइनस करें कितना आएगा 75। अगर एंगल एल को हम 75 डिग्री का बना दें तो ए हमारा 110 डिग्री का आ जाएगा, हमारे कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं रहेगी, बड़ी आराम से बन जाएगा। तो बनाने का तरीका, सबसे पहले बेस लेते हैं हम इसका कितना 4 सेंटीमीटर का। तो मैंने स्केल की हेल्प से यहाँ पर बना दी 4 सेंटीमीटर की लाइन, ये लो जी बन गई। नाम दिया पी एंड एल। पी पर हमारा कितने डिग्री का 90 डिग्री का। कंपास लिया, अपनी मर्जी से ओपन करना है। पी को एज ए सेंटर मानते हो, जैसे कि 90 डिग्री हमने ऊपर भी बनाया था, आर्क लगा दी, इसको कम ज़्यादा नहीं करना, उतना ही रखना है। जहाँ से इसकी शुरुआती पॉइंट थी आर्क लगाई, उसी पर रख के दूसरी आर्क लगाई। ये होता है 60 का, दूसरा होता है 120 का, 60 का टेबल चलता है। तो हमें एक आर्क ऊपर लगानी 60 से, दूसरी आर्क लगानी है 120 से। ये हमारा एंगल आ जाएगा 90 डिग्री का। ठीक, हेलो जी मैंने पी पर 90 डिग्री का एंगल बना दिया। एंगल एल पे कितना बनाना है 75 डिग्री का। 75 डिग्री का जो एंगल होता है वो बनता है हमारा 60 प्लस 90 डिग्री से। तो हमें इसमें भी किसकी जरूरत पड़ेगी 90 डिग्री की, तभी 75 का बन पाएगा। तो इस पर पहले हम क्या बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल। एल को एज ए सेंटर मानते हुए मैंने यहाँ पे आर्क बनाई। पहली जो आर्क लगाई 60 डिग्री की होगी, दूसरी जो आर्क लगेगी इसी पर रख के 120 की होगी। अब आपको 60 से आर्क लगानी है और 120 से, ये बन गया आपको 90 डिग्री का एंगल। तो इसको मैं दिखा देता हूँ इमेजिनरी लाइन से, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल आ गया। 90 से और 60 से इन दोनों से आर्क, तो मैंने यहाँ पे 90 डिग्री से आर्क लगाई और 60 डिग्री से, जो ये क्रॉस पॉइंट आया है ये हमारा कितने का होगा 75 डिग्री का। ठीक, करने के बाद अब ये लाइन हमारी कितने की 6.5 की। कंपास लेंगे और 6.5 को से ओपन कर लेंगे। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे कंपास को 6.5 सेंटीमीटर का ओपन कर लिया। करने के बाद एल को एज ए सेंटर मानते हुए यहाँ पे मैंने आर्क लगा दी। ये जो पॉइंट आया हमारा ये कौन होगा, ए होगा, और एन पॉइंट तो हमें मालूम नहीं है कहाँ पर लाई करेगा इस लाइन के ऊपर। तो ए पे हम बनाएंगे 110 डिग्री का एंगल इस वाली पॉइंट पर। अब जो ये 110 डिग्री का कंपास से तो बनेगा नहीं, डी की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो मैंने डी लिया, कॉपी को टर्न कर लिया और ए को इस तरीके से रखा
ताकि जो ए पॉइंट है इसकी जो टी पॉइंट बना होता है इस पे आ जाए, ठीक है, नीचे वाला लाइन इसके ऊपर नीचे पूरी ओवरलैप करे। अब हमें चाहिए 110 डिग्री का, तो हमारी देखो कन्फ्यूज़न क्या होती है, 110 डिग्री इधर भी होता है, 110 डिग्री इधर भी होता है, कन्फ्यूज़न कैसे दूर करें, ये देखा करो हमारी जो लाइन की शुरुआत है वो इधर से हो रही है, देखो लाइन इधर चल रही है, इधर तो कोई लाइन ही नहीं है, तो जिस तरफ से लाइन होगी वो हमारा जीरो पॉइंट होगा, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, ये पॉइंट आ गया हमारा 110 का। अब इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन कर देंगे, ये लो जी ज्वाइन कर दिया मैंने इस पॉइंट के साथ, ठीक। अब वापस इसको टर्न कर लेते हैं, जो हमारी ये लाइन थी इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, बढ़ा दिया, ये दोनों लाइनें जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा पॉइंट ई होगा, और ये कितने का होगा, 85 डिग्री का होगा, जो एंगल ए है ये हमने कितने का बनाया है, 110 डिग्री का एंगल होगा, क्योंकि चारों का जोड़ कितना होना चाहिए, 360 डिग्री ही होना चाहिए, ये तो हमने 90 बनाई है और ये कितने बनाया है, 75, चारों को जोड़ेंगे तो 360 ही आएगा। ये हमारी लाइन कितने की, 6.5 सेंटीमीटर की, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके बाय बाय, थैंक यू।